फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सपना की दुनिया में आप सबका दिल से स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फैमिली, और आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। अभी दिन के 12 बज गए हैं फैमिली, और आज का ब्लॉग बहुत ही लेट से शुरू किया है फैमिली, और अभी खूब सारा सामान ऑर्डर किया था जो कि मुझे अभी रिसीव हुआ है, और आज शाम को पार्टी भी जाना है फैमिली। तो आज का ब्लॉग आप सब लोग फुल देखिएगा, मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार फैमिली। अभी मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था जो कि मुझे अभी रिसीव हुआ है। तो गाइस ये देखिए, और ब्लिंकिट ऐप कौन कौन ऐप यूज करता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा फैमिली। और ये ऐप बहुत ही अच्छा है, मतलब 5 मिनट में आपकी डिलीवरी हो जाती है, सामान हमारा बहुत ही आसानी से आ जाता है, सुपर फास्ट डिलीवरी है ब्लिंकिट गाइस। तो ये फैमिली देखिए, इतना बड़ा पैकेट आया है, और इसमें क्या क्या है आप सबको मैं ओपन करके दिखाती हूँ फैमिली, और बहुत कुछ खाने वाली चीज़ें हैं गाइस। एक एक सामान करके फैमिली, ये बनाना चिप्स है, ये बनाना वाला चिप्स है गाइस, और ये भी मसाला बनाना चिप्स फैमिली, ये भी मसाला बनाना चिप्स है गाइस, और ये भी बनाना वाला चिप्स है फैमिली। हम लोग को बनाने वाले चिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं फैमिली, बहुत ही सुंधाते हैं, मतलब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इतना सारा मेरे लिए आया है फैमिली, और ये है क्रैक्स की भुजिया है, आलू वाली क्रैक्स की भुजिया है फैमिली, ये देखिए। और ये भी क्रैक्स भुजिया है फैमिली, ये देखिए। ब्लिंकिट से तो बहुत सामान आया करता है फैमिली, पर मैं वही सोचती हूँ कि कभी कदार मैं वीडियो बना देती हूँ, वरना तो ये सब आया। मूंग दाल नमकीन है फैमिली, मूंग दाल की नमकीन है, ये देखिए गाइस। और इधर हमारी बेसन वाली भुजिया है फैमिली, बेसन वाली भुजिया, ये देखिए फैमिली। ये भी आलू क्रैक्स नमकीन है फैमिली, और इधर भी हमारा बनाना चिप्स है गाइस, बनाना चिप्स है, और ये बनाना चिप्स तो गाइस खा लिया है, एक पैकेट खोल करके खा लिया है हम लोगों ने, टेस्ट कर लिया है। वैसे भी तो बनाना चिप्स बहुत ही टेस्टी होते हैं फैमिली, और बिस्किट तो बहुत ही सारे रखे थे, बिस्किट बहुत कम ही सब लोग खाते हैं फैमिली। अभी पूरा डिब्बा भरा हुआ, इतना बड़ा डिब्बा भरा रखा है, बहुत सारे फ्लेवर हैं बिस्किट के, तो बिस्किट मैंने नहीं मंगाया है फैमिली। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने आज याला आउटफिट पहना है, नायरा कट सूट फैमिली, और मैंने हैंड बैग्स भी कर लिया है, क्योंकि हैंड पे हल्के हल्के रोए थे फैमिली, तो पार्लर नहीं जा पाई तो वीट का यूज़ किया है फैमिली। बहुत ही प्यारे हाथ हो गए हैं, अभी चूड़ियाँ भी पहनूंगी और घड़ी भी लगाऊंगी फैमिली, और अभी बाल भी कल स्ट्रेट कराए थे मैंने फैमिली, बहुत ही प्यारे से बाल स्ट्रेट हुए हैं, और आप सबको शादी में लेकर चलूँगी। अब तो वेडिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी शादियाँ हैं फैमिली, तो आज एक दीदी है हमारे साइड रहती है, उन्हीं की शादी है फैमिली। अगर टाइम से बारात आ गई तो आप सबको मैं दूल्हा और दुल्हन भी दिखाऊंगी। तो हे फैमिली, अभी 7 बज गए हैं, और इधर सभी लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। पापा नहीं जाएंगे, भैया भी नहीं जाएगा, बाकी हम 3 लोग जाएंगे फैमिली, और सारा मेकअप का सामान निकाल करके रख दिया है गाइस। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और मेरा आज का मतलब कैसा लगा लुक आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यानी बैंगल्स भी मैंने पहन लिए है, और आउटफिट मेरा कुछ इस प्रकार है गाइस। तो फैमिली अभी थोड़ी देर में हम लोग घर से निकलेंगे गेस्ट हाउस के लिए, गेस्ट हाउस हमारे घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है फैमिली, और आप सबको सब कुछ दिखाएंगे, बस गाइस भीड़ ज़्यादा ना हो, और बारात भी आएगी तो वो भी आप सबको जरूर दिखाएंगे फैमिली। तो फाइनली गाइस हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए थे गाइस, अभी गेस्ट थोड़े कम आए थे, सबसे पहले हम ही लोग पहुँच गए थे फैमिली, और डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी, आप सबको जयमाल की डेकोरेशन दिखाती हूँ। की फैमिली आप सबने देखा, डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी जयमाल की, और पूरा गेस्ट हाउस बहुत ही प्यारा था फैमिली, और डीजे तो बहुत ही तेज था गाइस, और इधर सभी लोग बैठे थे। हे फैमिली हम लोग नाश्ते वाले स्टॉल पे आए, यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ ली जो मेरी पसंद की थी फैमिली, फिर हम लोगों ने ठीक है।
पकौड़ी भी खा ली, नूडल्स भी खा लिया, फैमिली बहुत ही मज़ा आई नूडल्स खा के। शादी में नूडल्स खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, फैमिली नूडल्स खा लिया। आप सोचा चलो कॉफ़ी एक बार और पी लेते हैं फैमिली, क्योंकि फैमिली कॉफ़ी भी पी ली और इधर सभी लोग डांस कर रहे थे। अब मम्मी बोली चलो खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, घर भी वापस निकलना है। ही फैमिली खाने वाले स्टॉल के पास आ गए। यहाँ मैंने प्लेट निकाल ली थी और सैलेड भी निकाल लिया था। बहुत सारे आइटम थे फैमिली पर, मुझे जो खाना था वही मैंने लिया, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना था। और इधर मैंने सभी की थालियाँ लगा दी, मम्मी को जो पसंद था, जो छोटी को पसंद था। छोटी इधर वीडियो शूट कर रही थी। तो फाइनली फैमिली बड़ी मेहनत के बाद थोड़ा थोड़ा खाना हम लोगों ने निकाल लिया। और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी फैमिली, क्योंकि बारात आ चुकी थी, तिलक भी चढ़ रहा था, द्वार पूजा भी हो गई थी, बजूला अंदर आने वाला था और हम लोग भी अब जा रहे थे खाना खाने। की फैमिली टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद भी ले लिया। अब मम्मी बोली चलो थोड़ा बहुत जयमाल देख लेते हैं फैमिली। तो फाइनली फैमिली हम लोग अंदर आ चुके थे। अदूल्हा बैठ चुका था कुर्सी पर, बस दुल्हन का वेट था। दुल्हन जल्दी से आए, फिर जयमाला पड़े फैमिली, और इधर सभी लोग बैठे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। फाइनली फैमिली इंतज़ार ख़त्म हुआ और दुल्हन भी हमारी आ चुकी थी। बहुत ही प्यारी दुल्हन लग रही थी गाइस। तो फाइनली गाइस जयमाला भी पड़ चुका था और बेहद खूबसूरत नज़ारा था फैमिली। रात के 12:15 भी बज गए थे, घर भी लौटना था। ही फैमिली घर पहुंच के अब आप सबसे मिलते हैं। तो हे फैमिली, मैं पार्टी से घूम करके आ गई और बहुत ही इंजॉय किया पार्टी में फैमिली। और बारात भी आ गई थी, बारात आई, द्वारे चार हुआ, तिलक चढ़ा, और जैसे ही जयमाल पड़ा बस वैसे ही हम लोग घर के लिए चल दिए, क्योंकि फैमिली 12:15 बज गए थे, बहुत ही रात हो गई थी। लेकिन इस समय तो वेडिंग का सीज़न है, तो सारी जगह मतलब जगमगाहट रहती है रास्ते में फैमिली, सभी कोई आता जाता है शादियों में, तो रास्ते भरे भरे रहते हैं, गाड़ियाँ भी आती जाती, तो इतना डर नहीं लग रहा था। लेकिन 12:15 बज गए थे, पापा भी गुस्सा करने लगे थे कि बहुत ही लेट हो गया है तुम लोग को। बहुत ही इंजॉय किया फैमिली शादी को, और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, जल्दी से सूट चेंज कर लिया, क्योंकि नींद तो बहुत ही तेज़ आ रही है फैमिली, आँखों में नींद भर गई है। और स्वेटर पहन के मैं सोती हूँ, आप सबको बता रही हूँ गाइस, ठंडी में मैं स्वेटर पहन के ही सोती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। हे फैमिली, शादी का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और पार्टी हमारी बहुत ही अच्छी रही, और आज का लुक मेरा बहुत ही प्यारा था, सबने बहुत ही तारीफ़ की कि लुक बहुत ही मतलब मस्त है फैमिली। तो बाल स्ट्रेट करा लो तो लुक तो ऐसे ही बदल जाता है फैमिली, लेकिन मेरे लिए लुक मैटर नहीं करता है, बस हमारा दिल अच्छा होना चाहिए और रंग रूप कुछ मायने नहीं करता फैमिली। ये तो रंग रूप समय के अनुसार बदल जाता है, लेकिन एक अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव ये जीवन प्रत्न रहता है। तो गाइस फैमिली, अभी बर्तन भी धुल डाले थे, 2-3 बर्तन पड़े थे उनको धुल डाले थे, अब मैं जा रही हूँ सोने। हे फैमिली, आप सबको मेरा ये शादी वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फैमिली। और वहाँ पर डीजे की आवाज़ बहुत ही तेज़ थी, तो मैंने कहीं कहीं वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि चैनल पे कॉपीराइट आ जाता फैमिली, कोई बाहरी म्यूज़िक आती है तो चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है फैमिली। आवाज़ मतलब कोई बाहरी आवाज़, जैसे डीजे बज गया, कोई भी बाहरी आवाज़ है तो इससे चैनल पे कॉपीराइट आ जाता, तभी मैंने कहीं कहीं वॉइस ओवर कर दिया, कहीं कहीं स्पीड बढ़ा दी है मैंने फैमिली। तो हे फैमिली, आई होप अब वीडियो की एंडिंग करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।